मूवीज देखकर रात बिता रहे हो? इसमें सबसे अच्छी चीज आपको सारी स्नैक्स मिल गए। मुझे भी चिप्स दो। ओह, ऐसा लगता है तुम्हारे लिए नहीं बचे। लेकिन तुम एक और कैन ला सकती हो बहन। छोटी बहन होने का फायदा है ना? हा, बदतमीज। लाना को चिप्स का एक और कैन चाहिए। ओह ठीक है, मैं उसे कैन दूंगी। इस प्रैंक के लिए आपको सिर्फ एक गुब्बारा और खाली चिप्स का कैन चाहिए। बस इस गुब्बारे में पानी भरे और कैन को इस तरह से पकड़े। अब इसे भर दे। इसे ऊपर तक भरे ताकि ये फटने के लिए तैयार हो। जब ये पूरा हो जाए तो गुब्बारे को बांधे नहीं, बस इसे साइड पर पकड़े। जब ये कोने तक आ जाए फॉइल को दोबारा रोल करे और प्लास्टिक के ढक्कन से बंद कर दे। चलो इसे करते हैं। ठीक है लाना, मैं तुम्हारे लिए नया कैन लाई। ओ नहीं, उस पर अब ये सरप्राइज होगा। और वो गया। मैंने स्नैक मांगा था, एक बेवरेज नहीं। ओह वाह लिली, तुमने अपनी बहन को सही पकड़ा। इसके बाद वो तुम्हें दोबारा ऑर्डर कभी नहीं देगी, पर अभी तुम्हें भागना चाहिए। मैं तुमसे बदला लूंगी लिली। ओह ध्यान से। ओह, वो जरूर तेज भागती है। अब मैं बदला कैसे लूं? ऐसा लगता है रसोई में पड़े अंडों ने लाना को एक अच्छा आइडिया दिया। यहाँ पर चीजें तो एक ट्रैक होने वाली है, लेकिन प्रैंक के लिए आपको एक कच्चा अंडा और एक चॉकलेट कैंडी अंडा चाहिए। कच्चे अंडे के ऊपर कुछ पिघली चॉकलेट डाली। इतनी चॉकलेट उसके ऊपर डाली ताकि वो मैच करे। जब ये सूख जाए तो ये तैयार है। ओ लिली, तुम कहाँ हो? ओह जल्दी पढ़ते हुए दिखाओ। हे लिली, मैं अब तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। और मैंने हमारे लिए यम्मी डेजर्ट बनाया। तुम्हें चॉकलेट एग्स चाहिए? एक सेकंड रुको, मैं इतनी बेवकूफ नहीं। मैं वो अंडा नहीं खाऊंगी जो तुम चाहती हो। मैं ये वाला लूंगी, ठीक है? और यहाँ पर एक ट्विस्ट, लिली को तो कच्चा अंडा ही मिला। ये सच में बहुत गंदा है। हा, हा, देखा, मैंने बदला ले लिया। अगर मुझे सैल्मोनेला मिला। ओहो, मुझे लगा था लंच टाइम आएगा ही नहीं। हे सोफिया, ये मजाक नहीं है। मुझे नहीं लगता। मुझे पता है, मैं ये वाली ले लूंगा। बहुत हुआ। रुक जाओ, मुझे माफ कर दो। कभी कभी मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। और यहाँ तक कि मेरे पास एक और ट्रिक है। सॉस पैकेट को खोले और इसे अपने मुंह में डाल ले। ओह, तुम तो बहुत प्यारी हो ना। ठीक है, अब तुम्हें सबक सिखाना होगा। वो क्या ये खून है? मैंने तुम्हें इतनी जोर से तो नहीं मारा? नहीं मारा ना केविन, क्या तुम ठीक हो? प्लीज मरना मत। मुझे कोई परवाह नहीं, थोड़ी सी केचप किसी को नहीं मारती। ओ चलो भी, बहुत मजा आया। कुछ लोगों को मजाक बर्दाश्त नहीं है। हाँ केविन, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? ओ हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें थोड़े प्रैंक से परेशानी ना हो। दोबारा अपने क्रश का इंस्टाग्राम स्टॉक कर रही हो सोफिया? जरा देखो वो कितना क्यूट है। क्या वो मेरे बारे में भी सोचता होगा? क्यों? वो लाना के साथ क्यों बैठा है? वो उसकी किसी भी पिक्चर में नहीं है। घबराओ मत, शायद वो सिर्फ दोस्त हो। क्या आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं? दो गर्म चाय। बहुत अच्छा, बस अभी आती हूँ, ठीक है? उनको लगता है वो बहुत क्यूट है। वो तो मैं देख लूंगी। लगता है ये डेट अच्छी जा रही है, लेकिन मैं चीजों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाऊंगी। और इसमें इतनी मेहनत भी नहीं लगी। ये शो टाइम है। ध्यान से, ये बहुत गर्म है, ठीक है? ओ नहीं, तुम्हारे लिए चाय गर्म है? लगता है सिर्फ तुम्हारे दिमाग में था दोस्त, ये तो काफी ज्यादा था। उप्स, चलो मिलते हैं। कौन है वो?
उसे हुआ क्या है? आखिरकार मुझे अपने लिए समय मिला। इन प्यारे चेहरों को तो देखो। ठीक है, चलो काम शुरू करें। ये पजल टाइम है। शुरू करना काफी मुश्किल होता है। मुझे थोड़ा मीठा चाहिए। मैं और फोकस भी कैसे करूं? मुझे इसे कहाँ रखना चाहिए? पजल लवर्स में पेशेंस तो बहुत होते हैं, पर इसका फल तभी मिलता है जब ये पूरा हो जाए। हम अब क्या करने वाले हैं? हाँ, मुझे मिल गया। केविन इसे कभी नहीं छोड़ेगा। यहाँ अभी भी एक खाली जगह है। वो यही कहीं होना चाहिए था। बहुत बढ़िया, अब ये मेरी बारी है। बच गया। हो गया। हाँ, ये कैसे हो सकता है? क्या मैंने वो पीस यहाँ नहीं लगाया था? वो इसमें फंसता जा रहा है। मैं एक और लेने वाली हूँ। हे भगवान, गो! क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? कसम से मैंने यही रखा था। बहुत अजीब है। बहुत बढ़िया, वो बहुत कंफ्यूज्ड है। क्या कोई हंस रहा है? बिल्कुल, ये सोफिया है। तुम्हें लगता है तुम बहुत तेज हो? मुझे तुम्हारा पजल पीस मिला है। लगता है मुझे अब जाना चाहिए। हाँ, शांति मिली।